श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणी अनंत श्री भूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज का प्रवचन। महर्षि मेही सत्संग सुधा सागर प्रवचन संख्या 137। शून्य में क्या मिलेगा। प्यारे लोगों, संत मत मोक्ष प्राप्त करने के लिए और संसार में सुख से रहने के लिए शिक्षा देता है। ईश्वर की भक्ति से मोक्ष या मुक्ति होती है। भक्ति में अपरा और परा दोनों प्रकार की भक्ति होनी चाहिए। अपरा भक्ति में स्थूल जप और स्थूल ध्यान है। परा भक्ति में बिंदु ध्यान या ज्योतिर्ध्यान और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान में मन से कुछ बनाना नहीं पड़ता है, केवल देखने के ढंग से देखा जाता है। देखने का ढंग गुरु बताते हैं। ईड़ा और पिंगला के मध्य में अर्थात सुषुम्ना में देखो। देखने का तात्पर्य है वहां दृष्टि ठहरा दो, वहां ज्योतिर्बिंदु का उदय होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कमी पुराण मुसा सीतार मनोरण्यांग समुष्मेर मरेद्य सर्वस्य दातार मचिंत्य रूप मादित्यवर्णं तमशः परस्तात। गीता अध्याय 8:9। और तेजोपनिषद में है, तजो विन्दु परं ध्यानं विश्वात्म हृदय संस्थितम्। अर्थात हृदय स्थित विश्वात्म तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। ज्योति ध्यान में ज्योतिर्बिंदु से और भी विशेष विशेष ज्योति होती जाती है, जिसका पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। ज्योति के साथ नाद भी प्रकट होता है। ज्योति के साथ जो नाद होता है वह सूक्ष्म नाद है और अंधकार में जो नाद होता है वह स्थूल है। संतों ने स्थूल नाद ध्यान करने को नहीं कहा। यदि कोई स्थूल नाद को यानी अंधकार के नाद को सुनता है तो बहुत दिनों तक अभ्यास करते करते संभव है कि कभी उस केंद्रीय सूक्ष्म नाद को पकड़ सके। इस विषय को मैंने सत्संग योग भाग 4:60 में लिख भी दिया है, लेकिन उपनिषद के अनुकूल सांभवी अथवा वैष्णवी मुद्रा का अभ्यास कर शब्द साधन करना चाहिए। वैष्णवी मुद्रा कड़ा ध्यान है। दृष्टि साधन तीन तरह से किया जाता है, अमा दृष्टि से, प्रतिपदा दृष्टि से और पूर्णिमा दृष्टि से। आंख बंद कर देखना अमा दृष्टि है, आधी आंख खोलकर देखना प्रतिपदा है और पूरी आंख खोलकर देखना पूर्णिमा है। अमा दृष्टि में कोई तकलीफ नहीं होती। संतों ने अमा दृष्टि से ही अभ्यास करने को कहा है। कोई कोई कहते हैं कि अमा दृष्टि से अभ्यास करने से ओंघ ही आती है, नींद। मैंने पूर्णिमा दृष्टि का तो अभ्यास नहीं किया है, लेकिन प्रतिपदा दृष्टि का अभ्यास किया है। इसमें भी ओंघी नींद आती है। हम लोग आंख खोले रहते हैं, लेकिन ओंघी आती है और आंखें बंद हो जाती है। चाहिए कि होशियारी से रहें और ओंघी नींद से बचकर ध्यान करें। बिना ज्योति ध्यान के नाद ध्यान करने की गुरु आज्ञा गुरु महाराज ने नहीं दी। गुरु नानक देव जी भी यही कहते हैं, सुखमन के घर राग सुनी सुन सुन मंडल लिवलाई। लोग कहेंगे कि शून्य में क्या मिलेगा। शून्य ही मिलेगा, बिल्कुल खाली ही रह जाओगे, एक पंडित ने कहा था। लेकिन थोड़ा विचारो, खाली जगह में वह रह जाता है जो कभी नहीं टलता। जो जगह भरी रहती है वह अवर्णित है। जैसे इस घर में माल भर दीजिए तो खाली शून्य नहीं देखा जाएगा, लेकिन शून्य कहीं जाता नहीं। घर से सब चीजों को हटा दो तो शून्य बचेगा।
उसी तरह यह विश्व है इसमें और इसमें विश्व के तत्व भरे हैं। इन तत्वों को निकाल दो तो वह बचेगा जो कभी नहीं टलेगा। मनोभाव छोड़कर दृष्टि रखने की कोशिश करो तब सूझेगा। जो कभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आया और सदा वहीं रहता ही है वह है ज्योतिर्बिंदु। इसके बाद है सहस्र दल कमल रूप जगत। लेकिन यहां भी ऐसा खाली नहीं हुआ जहां केवल ईश्वर ही रहे। इसलिए इससे आगे बढ़ो, नाद ध्यान करो, नाद से खींचकर वहां पहुंचो जहां इसका केंद्र है। और शब्द से शब्द होता है, सब चुप रहते हैं और फिर बोलते हैं तो शब्द होता है। इसी तरह निह शब्द से शब्द होता है। परमात्मा ध्रुव और अकंप है। अकंपता और ध्रुवता के कारण वह निःशब्द है। कंप और शब्द के बिना संसार नहीं होता। इसलिए आदि में कंप होता है, नादानुसंधान करते करते उस नाद का पता लगता है जो सबसे प्रथम हुआ। वह शब्द भी परमात्मा में जाकर लय हो जाता है। उस शब्द की धारा बिंदु तक लगी है। वही है मकर तार। मकड़ा अपने तार पर ऊपर से नीचे आता है और उसी को पकड़कर ऊपर जाता है। संतों ने अनहद ध्वनि को मकर तार कहा है। तिल परमाने लगे कपाटा, मकर तार जह जीव के बाटा। संतों ने कहा है, हम लोगों को उसका बहुत विश्वास है। ईश्वर के मायिक रूप को देखते हुए उनके निर्मायिक रूप को देखेंगे, यही ध्यान विधि है। यह प्रवचन श्री संतमत सत्संग मंदिर आशानंदपुर पर्वती भागलपुर में दिनांक 25/10/1958 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। प्रवचन 24 नवंबर 2018 प्रातःकालीन। श्री सद्गुरु महाराज की जय।